नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट का केस लगातार गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। सोनाली फोगाट के केस में लगातार परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश गोवा सरकार की ओर से नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से परिवार की लगातार यहाँ पर उलझने बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परिवार ही नहीं बल्कि विपक्ष के कई नेता और हिसार की खाप पंचायत भी ये मांग कर रही है कि मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया जाए, लेकिन लगातार कोशिशों के बाद भी सोनाली फोगाट का केस अभी भी गोवा पुलिस के पास है। इस बीच परिवार का एक बड़ा दावा देखने को मिल रहा है। बता दें, परिवार शुरुआती दौर से ही ये कह रहा है सोनाली फोगाट के केस में पर्सनल असिस्टेंट तो सिर्फ एक मोहरा है, ये पूरी चाल ये पूरी बाजी कोई और ही खेल रहा है। यहाँ पर परिवार कई बार सोनाली फोगाट के निधन को राजनीतिक गलियारों से भी जोड़ रहा है। उनका कहना है कि सोनाली फोगाट के खिलाफ ये पूरी साजिश किसी बड़े नेता ने यहाँ पर रची है। तभी तो जब सोनाली फोगाट के असिस्टेंट सुधीर सांगवान ने गोवा पुलिस के रिमांड में रहते हुए एक बड़े नेता को कॉल किया और कॉल करके कहा कि मुझे बचा लें, तो इसके बाद परिवार ने यहाँ पर ये साफ कर दिया कि सुधीर सांगवान के सर पर किसी बड़े नेता का हाथ है। अब अगर यहाँ पर बात करें कि आखिरकार कौन है वो नेता, तो बता दें कि लगातार सोनाली फोगाट के केस में विपक्ष के कई नेता और खुद सोनाली फोगाट का परिवार भी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा चुका है। हालांकि इस चीज को लेकर अभी तक कोई सबूत तो सामने नहीं आया है, लेकिन कई ऐसे नेता है जिनका नाम सोनाली फोगाट से जुड़ा हुआ है। सोनाली फोगाट बीजेपी पार्टी में एक ऐसी नेत्री थी जिन्होंने अपनी एक काफी अच्छी जगह बना ली थी, जिसकी वजह से कई लोग उन्हें पसंद करते थे तो कई लोग उनसे नाराज भी रहते थे। बता दें, सोनाली फोगाट जब तक जीवित रही उनके कई ऐसे विवाद देखने को मिले, जिस तरह से उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक शख्स को थप्पड़ जड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की और भी कई ऐसी चीजें हैं। अब अगर बात करें कि आखिरकार परिवार बीजेपी पार्टी पे शक क्यों जता रहा है, तो बता दें कि जहां लगातार सभी विपक्षी पार्टियों के नेता सोनाली फोगाट का केस सीबीआई को सौंपने के लिए मांग कर रहे हैं, तो अभी तक इस मामले में बीजेपी पार्टी की ओर से किसी भी नेता का बयान सामने नहीं आया है, जिसके बाद अपने आप शक भारतीय जनता पार्टी पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।